नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2, 3 और 4 जनवरी के आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आए दोस्तों, की शुरुआत बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे वर्तित होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 2 जनवरी की बात करें तो दोस्तों ये दिन रविवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी और दोस्तों ये दिन मूल नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन योग की बात करें तो दोस्तों वृद्धि नामक शुभ योग और ध्रुव नाम का शुभ योग इस दिन रहने वाले हैं। राहु कल का समय शाम के 4:29 से लेकर शाम के 5:49 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहु काल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें और दोस्तों चंद्रमा दिन धनु राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो दोस्तों इस दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और दोस्तों पुरुषाढ़ा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, नियोग की बात करें तो व्याघात नाम का शुभ योग और हर्षण नाम का शुभ योग रहेगा। राहु काल के समय सुबह के 8:32 से लेकर सुबह के 9:52 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा धनु राशि को प्रांत मकर राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन 4 जनवरी की बात करें तो दोस्तों मंगलवार का दिन होगा। द्वितीय तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और दोस्तों वज्र नाम का शुभ योग रहेगा। राहु काल के समय शाम के 3:11 से लेकर शाम के 4:30 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा जो है मकर राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं 3 दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है, चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय यदि आप करियर की ओर उन्मुख हैं तो आपको खूब सारे अवसर मिल सकते हैं। परिविच्छेद विकास पथ को आगे बढ़ाने के लिए आपको मदद की पेशकश करेंगे और आपको उसे दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। आपके परिवार की आमदनी भी बढ़ेगी और समाज में रुतबा भी बढ़ेगा। वही दोस्तों, नेगेटिव की अगर बात करें तो इसमें सहकर्मी थोड़े पेचीदा हो सकते हैं और आपको कुछ चतुर्थी के साथ उनसे निपटना होगा। कार्यस्थल पर सभी के साथ कुछ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, बड़े भाइयों बहनों का सामान्य रूप से कुछ कष्ट हो सकता है। दोस्तों, यश में उनसे आपके संबंध पर भी असर पड़ेगा। दोस्तों, ये दिन आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। दोस्तों, यश में आपको सितारों के फेवर के साथ ही कई तरह के संसाधन भी मिलेंगे। सही समय पर आपके पास आपकी ज़रूरत के संसाधन प्राप्त भी हो जाते हैं। दोस्तों, यश में कमी केवल इस विचार में है कि जीवन में आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वही दोस्तों, करियर की अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र में आज नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने के आसार हैं, इस अवसर को जाने न दें। दोस्तों, यश में योजनाओं पर काम करते समय अपने विवरण पर ध्यान दें। वही दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो आपको अपने प्रीतम को आवश्यक होने पर कुछ आर्थिक अथवा मानसिक सहायता भी देनी पड़ सकती है, क्योंकि संभवतः वे मानसिक तौर पर कुछ कमज़ोर महसूस करेंगे या उन्हें धन की आवश्यकता भी होगी। दोस्तों, यश में प्रियजनों से अपनी बात शेयर करने में झिझक न करें, उनसे आज पूरा सहयोग मिलेगा। वही दोस्तों, हेल्थ की अगर बात करें तो व्यायाम आरंभ करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, यश में स्वास्थ्य जाँच के लिए अपने चिकित्सक से मिलें ताकि आप खराब स्तर पर बढ़ने से पहले संभावित खतरों को पकड़ लें। वही दोस्तों, आज के दिन आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 5। दोस्तों, आज के दिन व्यक्ति या फिर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव रखेंगे आप,
इस भावना के कारण आप प्रत्येक चीज तथा प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की नज़र से देखेंगे तथा उस संबंध में भी संदेह करेंगे। दोस्तों, यश में परिवार में चिंता और उत्साह का वातावरण रहेगा। संक्षिप्त में आज का दिन जो है आपके लिए आपत्ति भरा है। अतः दोस्तों, यश में आपको सावधानी पूर्वक बिताने के लिए गणेश जी का सलाह है। दोस्तों, आज के दिन अगर आपके वित्तीय स्थिति की बात करें तो यश में आप जो भी काम कर रहे हैं वह आप में एक नया क्रिएटिविटी लाएगा। तकनीकी कार्यों में रचनात्मक होने से आपको लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगा। दोस्तों, ये चीज़ आपको और भी अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है। दोस्तों, आज के दिन आपको अपने वरिष्ठ में मान्यता मिलने की भी संभावना है। यानी दोस्तों, आज के दिन आपके अपने से बड़े पदों वाले व्यक्तियों से मान प्रतिष्ठा इज्जत प्रशंसा भी मिल सकती है। वह दोस्तों, आज के दिन अगर आपके रोमांस जीवन साथी यानी प्रेम संबंध को लेकर बात करें तो दोस्तों, यद्यपि आप अपनी पीढ़ी का पूरा ध्यान नहीं देंगे, दोस्तों यश में आप यह सुनिश्चित करें कि आप उसे चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, गणेश जी कहते हैं कि रिश्ते में चीज़ गलत हो सकती है लेकिन आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको अपने पीढ़ी की नकारात्मक भावनाओं को मन की सकारात्मक स्थिति में बदलना होगा। दोस्तों, आज के दिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो अपनी टीम के साथ या फिर अपने ग्राहकों के साथ प्रमुख ऑफिशियल मीटिंग बुलाने के लिए ये दिन सही है। ये सफल होंगी और आपकी वित्तीय स्थिति में योगदान देगी। दोस्तों, यह समय गणेश जी बताते हैं कि महत्वपूर्ण कार्य के कारण आपके लिए तनावपूर्ण स्थिति रह सकती है। आप बैठकों में व्यस्त रह सकते हैं। ऊर्जा के स्तर के कारण आप हर चीज़ से बहुत ही अच्छी तरह से निपटने में भी यश में सक्षम होंगे। आपको दिन के अंत में थकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सेहत पर गौर करने की यश में ज़रूरत होगी। जिन लोगों ने अपना पैसा सट्टेबाजी में लगा रखा था आज उन्हें नुकसान होने की संभावना बन रही है। दोस्तों, सट्टेबाजी से दूर रहने की आपको सलाह दी जाती है। अपने मित्रों के माध्यम से आपका खास लोगों से परिचय होगा जो आगे चलकर फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, आपकी मुलाकात एक ऐसे दोस्त से होगी जिसे आपका ख्याल है और जो आपको समझता भी है। रात को ऑफिस से घर आते वक्त आपको सावधानी से वाहन चलानी चाहिए। दोस्तों, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है और कई दिनों के लिए आप बीमार भी पड़ सकते हैं। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद भी दे सकते हैं जिनके चलते आपके वैवाहिक जीवन और भी निखर सकता है। दोस्तों, वक्त कैसे गुजर जाता है इस बात का एहसास आज आपको अपने किसी पुराने मित्र से मिलकर महसूस हो सकता है। दोस्तों, यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों, यश में गुरुवार के दिन आप 5 किलो आटा और 5 किलो गुड़ मिला लें और दोस्तों इनकी रोटियां बना लें और उन्हें उन रोटियों को जो है गाय को खिला दें। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता समाप्त होगी और इसे दोस्तों आपके आने वाले भविष्य भी बहुत ही सुदृढ़ और संपन्न रहेगा। तो दोस्तों, इन उपायों को जरूर करें, ये आपके लिए भाग्यशाली होंगे। और साथ ही दोस्तों, और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका यश में शुभ रहे।